हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रियांश गैराज। तो भाई जो आज हम बात करेंगे निसान मैग्नाइट के बारे में, जो अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। अभी आप इसके एक्सेल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट को देख रहे हैं। अगर आपकी जेब में 7 से 8 लाख रुपए तो आप जा सकते हैं इस वेरिएंट की तरफ। इसमें आपको कम बजट प्राइस रेंज में काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर किएंगे। 7,04,000 रुपये इसका एक्सशोरूम प्राइस है और गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइसिंग है मैं आपको वीडियो के एंड बताऊँगा। कलर ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ब्राउन, सिल्वर, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू, इसके आपको ड्यूअल टोन का ऑप्शन यहां पर दिया जाएगा। 6 लाख से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, 10,94,000 का मिलेगा आपको इसका टॉप मॉडल। टोटल आपको यहां पर 6 वेरिएंट्स ऑफर किए जाएंगे, बट अभी आप इसके एक्सेल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट को देख रहे हैं। मैनुअल के साथ साथ आपको सीवीटी का भी ऑप्शन मिल जाता है निशान मैग्नाइट में। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 2 इंजन ऑप्शन आपको यहां पर दिए जाएंगे, बट अभी आप इसका 1 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन देख रहे हैं, जिसमें आपको 72 BHP की पावर और 96 Nm का टॉर्क और 18 से लेकर 19 तक की माइलेज मिलती है आपको इसके पेट्रोल इंजन में। 2 साल और 50,000 किलोमीटर की आपको वारंटी दी जा रही है निशान की तरफ से। ऐसे कुछ आपको रिमोट की ऑफर की जाएगी इसके एक्सेल वेरिएंट में। यहां पर मिलते हैं आपको लॉक अनलॉक 2 ऑप्शंस। आप टॉप में जाएंगे तो वहां पर कीलेस एंट्री स्मार्ट की भी ऑफर की जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर से और देखते हैं आपको यहां पर फ्रंट प्रोफाइल में क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है। नाइट विजिबिलिटी के लिए मिलते हैं आपको यहां पर हैलोजन हेडलैम्प्स। आप टॉप में जाएंगे तो वहां पर मिलते हैं आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। यहां मिलती है आपको इंडिकेटर रिप्लेसमेंट, यहां आपको DRL, नीचे आपको एल शेप में काफी बड़ा सा क्रोम ऑफर किया जाएगा। यहां आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलेगा, आप एसरीज में फॉग लैंप लगवा सकते हैं। यहां मिलता है आपको टोइनुक का ऑप्शन, नीचे मिलती है आपको सिल्वर फिनिश में स्किपेड। सेकंड बेस वेरिएंट में ही आपको यहां पर सिल्वर फिनिश की स्किपेड ऑफर की जाती है। सेंटर में मिलता है आपको निशान का काफी बड़ा सा लोगो। हनी कॉन्ग डिजाइन में आपको फ्रंट ग्रिल ऑफर की जाएगी। साइड में मिल जाता है आपको क्रोम सराउंडिंग, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है सामने से देखने में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 205 mm का आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है, जिस वजह से काफी डिमांड रहती है निशान मैग्नाइट। तो सामने से आपको ऐसा कुछ फ्रंट फेशिया नजर आने वाला है। गाड़ी के बोनेट एरिया की बात कर ली जाए तो इतना कुछ मिलता है आपको पूरा बोनेट एरिया एंड काफी शार्प से आपको डिजाइन मिलेंगे सामने से। गाड़ी के विंडशील्ड की बात करें तो काफी बड़ी सी मिलेगी आपको। यहां मिलता है आपको ड्यूअल वाइपर विद ड्यूअल वॉशर का सेटअप, ऐसे कुछ आपको वाइपर्स ऑफर किए जाएंगे। रूफ में मिलता है आपको रूफ रेल्स, पीछे पावर एंटीना। अब पढ़ते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से देखते हैं इसके एक्सेल वेरिएंट को, तो साइड में आपको एक्सेल वेरिएंट में 16 इंचेस के स्टील रिम ऑफर किए जाएंगे। व्हील कैप आपको इसमें दिया जाएगा बिकॉज का ये सेकंड बेस वेरिएंट है। ऐसे कुछ आपको ड्यूअल टोन में व्हील कैप्स मिलने वाले हैं। यहां मिलता है आपको निशान का लोगो। इतना कुछ मिलता है आपको सस्पेंशन का स्पेस। टायर सेशन की बात कर ली जाए तो यहां पर आपको 195/60R16 का मिलता है पूरा टायर सेशन। टायर्स के ऊपर मिलती है आपको ब्लैक कलर की काफी चौड़ी सी क्लैडिंग एंड फेंडर्स में आपको क्लैडिंग के अंदर मिलती है निशान मैग्नाइट की बैजिंग। ये है इसके ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ORVMs। इसमें आपको इंडिकेटर ऑफर किया जाएगा। आपको सेकंड बेस वेरिएंट सही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्ड पर दोनों का ऑप्शन जाता है, ये काफी अच्छी चीज है। ये है इनका ओवरऑल साइज एंड ए पिलर बी पिलर दोनों आपको मैट ब्लैक फिनिश में यहां पर ऑफर किए जाएंगे। ये इसकी रूफ रेल्स, ऐसे कुछ आपको बी पिलर मैट ब्लैक फिनिश में। ये है इसके बॉडी कलर पे डोर हेडर्स। इंटीरियर की आपको मैं झलक दिखाऊं तो ऐसा कुछ आपको फ्रंट डैशबोर्ड मिलेगा ड्यूअल टोन कलर में। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, अभी बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशन की। तो 3994 mm इसकी लेंथ है, 1758 mm इसकी विथ है एंड 1572 mm की यहां पर आपको हाइट ऑफर की जाती है इस निशान मैग्नाइट में। एंड 2500 mm का मिलता है आपको व्हील बेस। स्पेस कितना मिलेगा वो हम लोग आगे प्रॉपर बैठ के कवर करेंगे। ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं तो रियर व्हील्स में ड्रम एंड फ्रंट व्हील्स में मिलते हैं आपको डिस्क ब्रेक्स। ये है इसका फ्यूल फिलर कैप, 40 लीटर की मिलती है आपको यहां पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी। रियर प्रोफाइल की बात कर लिया है तो मुझे पर्सनली निशान मैग्नाइट की ये चीज काफी अच्छी लगती है। आपको बेस वेरिएंट में भी डिफॉगर, वाइपर, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लाइट एंड वॉशर सारे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। सिर्फ आपको यहां पर रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है, बाकी सारे फीचर्स आपको सेम मिलेंगे टॉप मॉडल के। एंड बजट के हिसाब से यहां पर आपको स्पॉइलर काफी प्यारा सा ऑफर किया जाएगा। सेंटर मिलती है आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट, यहां मिलता है आपको वॉशर, डिफॉगर, वाइपर सारे फीचर्स आपको यहां पर ऑफर किए जाते हैं। निशान का मिलता है आपको काफी बड़ा सा लोगो, नीचे मिलती है आपको मैग्नेट की काफी बड़ी सी बैजिंग एंड यहां पर आप देखेंगे आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा, बट आप एसरीज में रिवर्स कैमरा भी लगवा सकते हैं इसमें। नीचे मिलते हैं आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड सिल्वर फिनिश की स्किपेड आपको पीछे भी ऑफर की जा रही है। टेल लैंप्स की बात कर लिया तो आपको हैलोजन सी शेप में टेल लैंप्स ऑफर किए जाएंगे। इसमें मिलते हैं आपको इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट, बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह आपको नीचे ऑफर किए जाएंगे। बूट स्पेस की बात कर लिया तो यहां मिलता है आपको बटन जिसको आप प्रेस करके अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका पूरा बूट ओपनिंग एरिया एंड यहां पर आपको एक्सेल वेरिएंट पे भी पार्सल ट्रे ऑफर की जा रही है, ये काफी अच्छी चीज है। ये इसकी पूरी पार्सल ट्रे जिसपे अपना सामान आप रख सकते हैं। आगे का पूरा कैबिन देख सकते हैं जो कि हम लोग आगे प्रॉपर कवर करेंगे। 366 लीटर का आपको बूट स्पेस ऑफर किया जाएगा। कोई भी लैंप आपको नहीं मिलता है इस एक्सेल वेरिएंट पे। नीचे मिलता है आपको 15 इंचेस का स्पेयर व्हील एंड टूल किट के साथ।
तो ये तो होगी इसके बूट स्पेस की बात। चलिए करते हैं बूट को बंद और अब बढ़ते हैं गाड़ी के पैसेंजर सिटिंग की तरफ। अंदर से बैठ के देखते हैं आपको यहाँ पर कितना कुछ स्पेस ऑफर किया जा रहा है इसके कैबिन में। ये इसके बॉडी कलर पे डोर हैंडल्स। डोर ट्रिम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन कलर में डोर्स ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पर मिलती है आपको सिल्वर फिनिश, यहाँ मिलती है आपको ऐसे कुछ फैब्रिक की फिनिश, ऐसा कुछ मिलता है आपको डोर ओपनर, यहाँ पर मिलता है आपको पॉलिटो के कंट्रोल, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बॉटल होल्डर एंड स्पीकर की प्लेसमेंट। ये है इसका पूरा रियर का कैबिन। एंड अभी बैठ के भी देखेंगे आपको यहाँ पर कितना स्पेस मिलने वाला है इसके लेग में। ब्लैक कलर में आपको फैब्रिक की सीट्स ऑफर की जाएंगी। रियर में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, ऐसे कुछ आपको सीट का डिजाइन मिल जाएगा, ऐसे कुछ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट। चलिए बैठते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो मेरी हाइट लगभग 5'11" के आसपास है, आपको इतना कुछ लेग स्पेस मिल जाएगा इसके कैबिन में। फ्रंट आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा एंड रियर में भी आपको आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता है, इतना कुछ मिलता है आपको हेड में स्पेस। एंड साइड में मिलता है आपको एक ग्रैब हैंडल एंड सीटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, मैं आराम से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, नी स्पेस आपको इतना कुछ मिल जाएगा। एंड रियर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है साइड में, बट आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जा रहा है। यहाँ मिलती है आपको एक हैलोजन लाइट। फ्रंट डैशबोर्ड दिखाऊं तो आपको ड्यूअल टोन में डैशबोर्ड ऑफर किया जा रहा है। एंड अभी आप इसके मैनुअल वेरिएंट को देख रहे हैं। तो ये तो हो गई पूरे रियर कैबिन की बात। चलिए अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर और बढ़ते हैं गाड़ी की ड्राइवर सीटिंग की तरफ और अंदर से बैठ के देखते हैं सारे ड्राइविंग फीचर्स को। तो ऐसे कुछ आपको बॉडी कलर पे डोर हैंडल्स। अब टॉप में जाएंगे तो वहां पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया जाएगा, ऐसे कुछ मिलता है आपको ड्राइवर साइड डोर्स। सिल्वर फिनिश में मिलता है आपको यहां पर डोर ओपनर, इससे अपने आप ओआरएम को फोल्ड अनफोल्ड कर पाएंगे। एंड एडजस्टमेंट के बटन आपको नीचे दिए जा रहे हैं, इसके थ्रू अपने आप ओआरएम को पूरा एडजस्ट कर पाएंगे। यहां मिलता है आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहां मिलती है आपको सिल्वर फिनिश, यहां पर मिलती है आपको फैब्रिक की फिनिश, नीचे मिलता है आपको बॉटल होल्डर एंड यहां मिलती है आपको स्पीकर की प्लेसमेंट। फ्रंट कैबिन की बात कर ली जाए तो आपको फ्रंट में इतना कुछ स्पेस ऑफर किया जा रहा है, आप काफी आराम से यहां पर बैठ सकते हैं। फैब्रिक की सीट्स मिलती हैं आपको ब्लैक कलर में, नीचे मिलते हैं आपको मैनुअल के एबीसी पेडल्स। ये इसकी फ्रंट की पूरी सेटिंग। फ्रंट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाएंगे, यहां पर आपको सिर्फ रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है। नीचे मिलता है आपको फ्यूल ओपनर एंड ये इसके आगे का पूरा कैबिन। चलिए अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर से बैठ के सारे ड्राइविंग फीचर्स को कवर करते हैं। ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको नजर आएगा, सामने का डैशबोर्ड ब्लैक एंड व्हाइट फिनिश आपको यहां पर मिलने वाली है। रिमोट की आपको ऑफर की जा रही है, ऐसी कुछ मिलती है आपको की, अपनी की को आप यहां पे इंसर्ट करके अपने इग्निशन को ऑन कर पाएंगे। डिजिटल आपको क्लस्टर मिलने वाला है जिसमें आपको सारी चेकलाइट सारी मिल जाती है इंफॉर्मेशन। एंड अपनी एमआईडी को आप इस लीवर के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे, ट्रिप पे ट्रिप बी रेंज माइलेज काफी सारी मिलती है आपको यहां पर इंफॉर्मेशन। ये तो होगी क्लस्टर की बात। गाड़ी के स्टीयरिंग की बात कर ली जाए तो यहां पर आपको ऐसे कुछ ब्लैक फिनिश में पूरा स्टीयरिंग ऑफर किया जाएगा, थोड़ी बहुत आपको यहां पर सिल्वर फिनिश में मिल जाती है इसके स्टीयरिंग में। यहां मिलता है आपको निशान का लोगो, यहां मिलते हैं आपको मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स, टेलीफोनी के कंट्रोल्स आपको राइट साइड ऑफर किए जाएंगे। स्टीयरिंग के पीछे मिलते हैं आपको यहां पर वाइपर्स के कंट्रोल्स एंड राइट साइड मिलते हैं आपको हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स। ये तो हो गए स्टीयरिंग की बात। अगर एडजस्टमेंट की बात कर लिया तो इस लीवर को जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो अपने स्टीयरिंग को आप सिर्फ टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का आपको यहां पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सेंटर कंसोल की बात कर ली जाए तो यहां मिलते हैं आपको ऊपर दो एसी के वेंट्स, काफी यूनिक डिजाइन में इसमें मिलती है आपको सिल्वर फिनिश। ये इसका 2.9 का ऑडियो सिस्टम जिसमें आपको ब्लूटूथ ऑक्स सब कुछ ऑफर किया जाएगा। इसमें आपको चार स्पीकर्स मिल जाते हैं टोटल। एक्सेसरीज में आप इसमें रिवर्स कैमरा भी लगवा सकते हैं। यहां मिलता है आपको हेजलाइट का बटन, ये इसका लॉक अनलॉक, यहां मिलता है आपको डिफॉगर का बटन, एसी के मिलते हैं आपको सारे कंट्रोल्स, फुली ऑटोमेटिक आपको एसी ऑफर किया जाएगा इसके सेकंड बेस वेरिएंट में। यहां मिलता है आपको थोड़ा सा स्पेस, नीचे मिलता है आपको एक 12 वॉट का चार्जिंग पोर्ट, यहां मिलता है आपको थोड़ा सा स्पेस। अभी आप देख रहे हो इसके 5 गियर मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन वेरिएंट को, सीवीटी का भी ऑप्शन आपके पास है। ये इसका मैनुअल हैंडब्रेक, यहां मिलता है आपको दो कप होल्डर्स। फ्रंट आर्मरेस्ट की जगह पे आपको यहां पर स्पेस काफी सारा मिलने वाला है। फ्रंट डैशबोर्ड की बात कर ली जाए तो ऐसे कुछ आपको डैशबोर्ड यहां पर मिलती है आपको ऐसे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फिनिशिंग। ग्लव बॉक्स की बात कर ली जाए तो ये इसका ग्लव बॉक्स, स्पेस काफी सारा आपको मिलेगा इसमें, कुछ भी सामान आप यहां पर रख सकते हैं। ऊपर की बात कर ली जाए तो पैसेंजर साइड आपको मिरर ऑफर किया जाएगा कवर के साथ में, ये काफी अच्छी चीज है। ड्राइवर साइड की बात कर ली जाए तो यहां पर आपको कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलता है। ऊपर मिलते हैं आपको माइक एंड यहां मिलता है आपको थोड़ा सा स्पेस, ये इसके लाइट के बटन, ये इसका मैनुअल डे नाइट आईआरबीएम। तो यही था इसके अंदर का ओवरऑल पूरा इंटीरियर। चलिए अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर और बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे में। तो इसमें आपको एबीएस विद ईबीडी ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन एम्बोलाइजर, क्रैश सेंसर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक और फ्रंट के दो एयरबैग्स आपको यहां पर ऑफर किए जाएंगे। टॉप में जाएंगे तो वहां पर आपको 360 व्यू कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अब बात आती है मेन चीज गाड़ी के प्राइसिंग की। तो अभी आप देख रहे हो इसके एक्सेल वेरिएंट को 7,04,000 रुपए
है इसका एक्स शोरूम प्राइस है और 8,15,000 की पड़ती है आपको ये ऑन रोड लखनऊ। तो यही थी निशान मैग्नाइट अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड स्पेशल थैंक्स टू ड्रीम निशान वीआईपी रोड लखनऊ। अगर आप कोई भी गाड़ी प्लान करें निशान की तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। मैं प्रियंश मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।